डायरेक्टर हैं और जब भी वो कुछ बनाते हैं वो हमेशा एक्साइटिंग होता है देखने के लिए. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस. मैं एक्चुअली मीटिंग से आ रही हूँ तो वहाँ पर थोड़ा फॉर्मल टाइप इन्वायरमेंट था तो इसीलिए शायद मैं सूट बूट पहन कर आई हूँ. बूट तो नहीं पहने पर थोड़ा सूट बूट. मतलब मीटिंग हर प्रकार की होती है. मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी लाइफ को रोमांचक रखूँ तो जो भी जिस मोड़ पर भी मैं अपने आप को पाऊँगी वहाँ जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उसका हिस्सा बनूँगी. थैंक यू. मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं उन्हें हमने चुना है और वो 5 साल के यहाँ पर हैं और उन्हें पूरा मौका देना चाहिए कि वो जो उन्होंने वादे किए हैं और बहुत सारे वादे किए हैं वो अपने वादे निभाएं और उन वादों की बुनियाद से उन्हें या तो दोबारा इलेक्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए. ये जनता के हाथ में है. पर बहुत से वादे किए हैं और अब हम उन वादों की कितने वादे पूरे हुए हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं. उसके हिसाब से 2019 मालूम पड़ेगा कहाँ क्या होता है. थैंक यू. ये शो आप पूछ रहे हैं कहानी क्या है. ये शो एक अर्बन मैरिड कपल के बारे में है जिनकी शादी अगर बाहर से देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है. जैसे हमें बचपन में बताया जाता है कि पढ़ाई करो नौकरी मिलेगी शादी हो जाएगी और उसके बाद लाइफ सेट है. सो अगर बाहर से देखा जाए वो सब कुछ है यहाँ पे. शादी हुई है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, अपनी मर्ज़ी से की है, नौकरी भी अपनी मर्ज़ी से की है और अब घर भी खरीदा है. सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. बट अगर एक मौका ऐसा आता है जहाँ पे जो कैरेक्टर जो ताहिर का है जिसका नाम राहुल है उनको ऐसा लगता है कि ये जो अभी तक जो मेरी लाइफ है वो इज़ दैट व्हाट आई रियली वांट, तो वो अपनी लाइफ पे पॉज हिट करना चाहते हैं और वो सोचना चाहते हैं कि ये डिसीजंस जो मैंने अभी तक लिए गए हैं ये मेरे डिसीजंस हैं या दूसरे लोगों ने मेरे लिए लिए हैं और उससे इस शादी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में. आपने देखी वेब सीरीज़? नहीं देखी है मैंने. इनफैक्ट जब से दानिश ने एपिसोड्स लिखने शुरू किए तब से राइट फ्रॉम द इंसेप्शन मुझे पता था कि वो क्या लिख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स आई हैव सीन द एडिट. मैंने फाइनल कट अभी तक नहीं देखा है लेकिन अलोंग द वे जो भी अलग अलग एडिट्स हो रहे थे उसमें काफ़ी सारी झलकियाँ देखी हैं मैंने. अच्छी बात है. क्यों उससे क्या मिलता है? नहीं मेरी इच्छा ये है और मेरा आई थिंक वेब सीरीज़ का जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है जैसे आपने कहा उसका एडवांटेज यही है कि अनलाइक बॉलीवुड आप कहानी जिस एक्टर के साथ चाहे बना सकते हैं और वो एक्टर उस रोल के लिए करेक्ट है वही एक क्राइटेरिया है. बॉलीवुड में क्या होता है कि देखिए ये शायद इस रोल के लिए ठीक है मगर इनका मार्केट वैल्यू उतना नहीं है तो हम इनको लेते हैं क्योंकि ये हमें फ्राइडे को ओपनिंग अच्छी मिलेगी. वेब सीरीज़ में फॉर्चुनेटली अभी तक मुझे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिले. अगर ऐसा कोई शो लिखा जिसके लिए जैसा आपने कहा शाहरुख खान या कोई करेक्ट फिट हो और वो मेरे साथ काम करना चाहें तो शो व्हाई नॉट. बट एडवांटेज यही है वेब सीरीज़ का कि मेरे को इनिशियली उनके पास नहीं जाना पड़ेगा. मैं जो एक्टर रोल के लिए करेक्ट है उनको मैं कास्ट कर सकता हूँ एंड आई थिंक दैट्स गुड. थैंक यू क्या मतलब काम का जो स्टाइल है क्योंकि डायरेक्टर जो हैं वो फिल्म के डायरेक्टर हैं दानिश असलम और जो डीओपी हैं वो फिल्म और एड्स कर चुके हैं तो जो काम करने का स्टाइल है और तरीका है इट्स एब्सोल्युटली लाइक अ फिल्म बट इट्स लाइक डूइंग टू फिल्म्स इन द स्पैन ऑफ 21 डेज. तो 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी बहुत ही हेक्टिक था पर एज एन एक्टर जो आपका प्रोसीजर रहता है जो मेथड रहता है वो क्या. टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर यू आर प्लेइंग. यार ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. ये एक ऐसा लड़का है जो आई थिंक आज की यूथ इसके साथ बहुत रिलेट कर पाएगी बिकॉज ये हिज नेम इज़ राहुल. वो एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसा हुआ है जहाँ पर वो खुश नहीं है पर समाज ने उसको बोल रखा है कि अगर आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे और फिर उससे शादी करेंगे देन यू विल बी हैप्पी. ही इज़ अ गाय जिसको 19 या 20 जब कॉलेज में होते हैं तो बोलते हैं कि इफ़ यू गो टू अ गुड कॉलेज इफ़ यू
get a degree and if you get a good job you will find happiness, but ye sab karne ke baad use khushi milti nahi hai. So although it is a conventional love story and it is a romantic story, but issues hain, crisis point hai, and that's what makes it interesting. You have been a full feature film also and now web series, so yeah. Do you feel, is there any difference between a web series or a full feature film? Difference ye hai ki jab aap web series karte hain usme censorship nahi hota hai, and jab audience hai wo immediate feedback aapko de sakta hai, aur kuch kahaniyan aisi hain jo shayad 2 ghante mein nahi batayi ja sakti, to 6 episodes mein usko bataya ja sakta hai, and I think ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल इट्स द कूल थिंग टू डू. सो अ लॉट ऑफ एक्टर्स अक्रॉस, वेदर इट्स इंटरनेशनल एक्टर्स और एक्टर्स इन इंडिया, फिल्म भी कर सकते हैं और साथ साथ में वेब भी कर सकते हैं. सारा जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हैं. क्या बात कर रहे हो, ये तो सारा जी को मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ. मैंने सारा जी को बिल्कुल पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए, ये वो सच में दिल से कह रहे हैं. हाँ बिल्कुल, बॉय मैन जो भी आप कहना चाहें. मैं तो ब्लश कर रहा हूँ, लाल हो गया हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा तो और क्या. और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सेरा के साथ, क्योंकि जो मर्दानी और फोर्स जैसी पिक्चरें जब लोग देखते हैं तो उनके माइंड में एक डार्क सीरियस कैरेक्टर आता है, तो उनके साथ जब काम किया, जैसे आपने बोला जब एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी होती है तो अपने आप जो है एक चार्म जो है निकल के आता है. और साथ में इस कैरेक्टर का नाम राहुल है, तो जब राहुल नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो एक लेगेसी है, यू हैव टू लिव अप टू दैट. द चैलेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, दानिश असलम वांटेड द होल स्क्रिप्ट रिहर्स्ड लाइक अ प्ले बिफोर. तो 3 हफ्ते की रिहर्सल थी जहाँ पर, एंड 6 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट याद करना, इट्स लाइक 2 मूवीज़ की आप स्क्रिप्ट जो है याद कर रहे हैं, दैट वॉज अ चैलेंज. और दूसरा था, जो आप रोमांस करते हैं, फिल्में देखते हैं, तो यू फील दैट यू नो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, बट आई फाउंड इट एज चैलेंजिंग एज डूइंग एक्शन इन फोर्स 2 विद जॉन इब्राहिम. यहाँ पर लड़की को पकड़ के, एंड देयर इज अ किसिंग सीन व्हिच इज इन द ट्रेलर एज वेल, टू मेक इट लुक कन्विंसिंग यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन इट इन योरसेल्फ, सो दैट वाज क्वाइट अ चैलेंज. सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर आफ्टर वी हैव सीन इन मॉन्टू आल्सो? यस, सो देयर इज, आई कांट टॉक अबाउट इट मच क्योंकि वो फिल्म अभी भी तैयार हो रही है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म शूट हो रही है जिसमें नवाज और मैं हैं, एंड अगेन आई एम प्लेइंग अ गुड गाय इन दैट, एंड नंदिता दास इज डायरेक्टिंग, पर उसके लिए हम एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, मिडवे है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन में जो है चालू है, वो अर्ली नेक्स्ट ईयर आएगी, पर उसके बारे में मेरे को मना किया गया कि नवाज भाई, तो मतलब उनके साथ ऐसे कि फ्री में एक्टिंग क्लास हो गई मेरी, ऐसा लगता है मुझे, तो क्योंकि वो एक मंटो नाम के फेमस राइटर प्ले कर रहे हैं और मैं एक श्याम सुंदर नाम का एक फेमस स्टार था 1950s में, तो स्क्रिप्ट में जो है उनकी जुगलबंदी ऐसी है कि वो एक कला, मेरा कैरेक्टर एक कलाकार है जो एक बड़ा एक्टर बनना चाहता है, और मंटो तो मंटो थे, तो उसी सॉर्ट ऑफ जो है क्या या कम ओके ओके सो नहीं तो वो ही जो एक ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी हमारी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं. पीरियड ड्रामा है, और बाकी तो जब फिल्म आएगी उसके प्रोमोज आएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. वेरी एक्चुअली आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड शो. The script is awesome. The director is really good. It's a young crew, and I think it's something that should appeal to the young audiences. Yeah. So, do you think there is any difference between a web series or a full feature film? Not anymore. I think content is viewed on many platforms today, and I think if the product is good, if it's good content, it will be watched, notwithstanding which platform it is on. So, if you get the opportunity to work in a web series, would it be good? I am in this show, okay, so yeah. I am in this. I've done a small part in this. So what part you're playing? Yeah, well, you see it, but it's interesting. It's a nice romantic comedy kind of a subject, which also has a little serious message about young couples and what they face. And it's a nice small part. And I know Danish, the director, and Rishabh, the producer, for many years now. I've even worked with them before. So when they asked me to, you know, do this part, I was more than happy to be a part of this, and it's the whole show sounds really interesting and exciting, and I'm happy to be a part of it. So thank you.